हम यहाँ पे कॉलम वाइज देखते हैं 10, 12, 4, 10 एंड 18। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 10, 12, 4 एंड 10 इन को लेना है, नीचे की रो को हमें छोड़ना है, ठीक है। तो ऊपर से अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारा 36, और इस 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 18। उसी तरह से ये ले लीजिए 11, 12, 12 एंड 5, इनको काउंट करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 40, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 20। उसी तरह से 15, 8, 10 एंड 13 इन को ऐड करेंगे हम तो ये निकल कर आएगा हमारा 46, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 23। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी 23 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें दिशा के क्वेश्चन दे रखा है। वायुसेना के 4 विमान है ए बी सी डी एक प्रदर्शन के लिए उड़ान भर रहे हैं, पूर्व की ओर चले। अब ये सारे जो हैं पूर्व की ओर उड़ान भर रहे हैं, तो हमने इनको पूर्व की ओर उड़ान भरी, इन्होंने 50 मीटर उड़ने के बाद विमान ए, यानी कि ये 50 मीटर उड़े हैं, चारों ने यहाँ से उड़ान भरी है 50 मीटर के बाद ए तथा दाई ओर उड़े। ए जो है वो कहाँ उड़ा, ए दाई ओर उड़ा, ए और डी, तो ए और डी को दाई ओर इधर कर दिया, ये हमारा ए और डी आ गया। उसके बाद विमान बी और सी बाई ओर उड़े, विमान बी और सी बाई ओर उड़े 50 के बाद विमान, अब यानी कि ये दोनों ने कितनी कितनी दूरी ली है, 50 इसकी दूरी थी और 50 ही इनकी दूरी थी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं विमान बी और सी अपने बाई ओर उड़े, बी और डी अपने बाई ओर उड़े, यानी कि दोनों ने अपनी बाई ओर ली, इनकी बाई ओर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, और इनकी बाई ओर हो जाएगी ये। अब बाई ओर दोनों ने उड़ान भरी, ए और डी अपने बाई ओर उड़े, विमान ए बी सी डी क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बी और सी की दिशा ये कौन सी है, ये है पश्चिम दिशा, और ए और डी की दिशा कौन सी है, ये है पूर्व की दिशा। तो यहाँ पर आएगा पश्चिम पूर्व पश्चिम पूर्व। तो देखिए ए बी सी डी है, ए की क्या हो गई, ए की हो गई यहाँ पर पूर्व दिशा, फिर तो देखिए पहले पूर्व आना चाहिए तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। फिर बी की कौन सी दिशा हो गई, बी की हो गई यहाँ पे पश्चिम दिशा। उसके बाद सी की कौन सी दिशा है, सी की भी पश्चिम दिशा है, और फिर डी की भी पूर्व दिशा है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश ए से प्रारंभ करता है। अब सतीश जो है, ए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, सतीश ने ए से प्रारंभ करी और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ये पूर्व की ओर चला 2 किलोमीटर, बी तक पहुंचता है, यानी कि ये पॉइंट बी है। उसके बाद वह दक्षिण की ओर घूमता है, अब उसे वो दक्षिण की ओर घूमा, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया, और 1 किलोमीटर चला, यानी कि ये कौन सा, 1 किलोमीटर, और सी पर पहुंचा, इस बिंदु का नाम रख दिया सी, ये बिंदु था ए। सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है, अब सी के बाद वह पूर्व की ओर घूमा और कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर, इसको हमने 2 किलोमीटर रख दिया और इसका नाम रख दिया डी, ये हो गया। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर घूमता है, अब वो उत्तर की ओर घूमा और ई तक 4 किलोमीटर चला, यानी कि अब ई तक गया वो, और ये कितना था, 4 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये उसकी दूरी हो गई, तो यहाँ पर कैसे दूरी निकालेंगे, आपको ए और ई की दूरी आपको फॉर्मूला पता होगा, अंडर रूट के अंदर ए एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ये आएगी इसकी दूरी। तो देखिए ए एफ हमारा कितना है यहाँ पर, ए एफ अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा कितना था, 4। उसके बाद हम ई और एफ की बात करें तो ये हमारे पास दे रखी है 3, तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये है हमारा अंडर रूट में, तो ये कितना निकल कर आएगा, 4 का कितना होता है स्क्वायर, 16, और 3 का कितना होता है, 9, और ये अंडर रूट में है हमारा, तो ये कितना हो गया, 25 अंडर रूट में, और 25 अंडर रूट अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे 5 दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 किलोमीटर।
आई होप ये क्लियर हुआ होगा ये भी आपको। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कथन दे रखे हैं, दो कथन, उनके आगे दो निष्कर्ष हैं, ए और फर्स्ट और सेकंड। अब हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों पर विभिन्न प्रतीत होते हैं। तो दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई हो तो निश्चित रूप से निकलता है। तो हमें यहाँ पे कथन निष्कर्ष निकालने हैं और फिर देखना है कौन सा सत्य है और असत्य है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है मंदिर पूजा का स्थल है, चर्च भी पूजा का स्थल है। उसके बाद देखें यहाँ पर पूजा के लिए हिंदू और ईसाई के लिए एक ही स्थान का प्रयोग करते हैं, सभी चर्च मंदिर हैं। तो यहाँ देखिए मंदिर और चर्च पूजा स्थल हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंदू और ईसाई एक ही जगह पूजा करेंगे। चर्च मंदिर से अलग है, अतः हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट हमारा सही निकल रहा है ना ही सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है इस पूजा स्थान की और यहाँ पर इन्होंने नीचे बोल दिया कि एक ही स्थान है, तो ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता और विकसित होता है। अब इसका निष्कर्ष है निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता, मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर उद्दीपन और क्रिया द्वारा बढ़ता है ये बात की गई है, लेकिन यहाँ पर ये निष्क्रिय मानव ये विकास नहीं कर सकता, इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई नहीं गई हैं। उसी तरह से ये बात की जा रही है नीचे कि प्रतिक्रिया नहीं करते, ये भी कोई बात नहीं की जा रही, प्रतिक्रिया तो करेंगे। तो देखिए मानव जीवन में वृद्धि विकास निरंतर चलने वाली क्रिया, अगर वो शरीर जो क्षण है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ना ही हमारा निष्कर्ष फर्स्ट सही है ना ही सेकंड, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें एक स्पेलिंग दे रखी है, उसके पहले चार अक्षर उल्टे क्रम में लिखिए। अब पहले जो चार अक्षर हैं वो हमें उल्टे क्रम में लिखने हैं। तो देखिए पहले चार अक्षर क्या हो गए, पी से पहले वाले, तो पी पी आई एच, और अगले पांच अक्षर बिना क्रम बदले लिखने हैं। अगले जो पांच अक्षर हैं वो हमें बिना क्रम के लिखने हैं। तो देखिए पी पी आई एच हो गया, उसके बाद लिखना है हमें एन O W A D, अंततः शेष अक्षर भी उल्टे क्रम में लिखिए। अब ये लिखना है M A M S A I, ठीक है। अब इसमें हमें मध्यवर्ती बताना है, तो देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, 13 है, तो अब हम यहाँ से 6 निकाल देते हैं, तो बीच का जो वर्ड निकल कर आएगा हमारा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर W, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी W। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में P Q R का क्रम कितनी बार ऐसा है कि Q अक्षर P और R के बीच में आ रहा है, यानी कि जो Q अक्षर है वो P और R के बीच में, हमें P Q R देखना है। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार निकल रहा है, एक ये हो गया, उसके बाद एक यहाँ निकल कर आ रहा है, उसके बाद एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये 4 टाइम हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 50 से 99 तक के सभी आंकड़ों को लिखता है, मगर ऐसा करते हुए वह 2 तथा 7 को छोड़ता जाता है, उसे गिनती में कितने आंकड़े लिखने होंगे। तो अगर आप, इसकी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है लेकिन बहुत सिंपल है, आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे 50 से लेके आपको 99 तक के सारे अक्षर लिखने हैं, लेकिन 2 वाले अक्षर को आपको छोड़ना है जिसमें 2 और 7 आए, तो ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा 32, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हमें दे रखा है, देखिए आकृति दे रखी है, आपसी संबंध हमें प्रतिनिधित्व करना है, वकीलों शिक्षकों तथा शिक्षितों का। अब देखिए सभी वकील शिक्षक होते, सभी वकील तथा शिक्षक जो है वो शिक्षित तो होंगे ही, तथा कुछ शिक्षक वकील भी हो सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए ये भी यहाँ पे गलत है, ये भी यहाँ पे गलत है और ये भी गलत है,
इसका जो राइट कॉम्बिनेशन होगा वो इसके अकॉर्डिंग यही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारे एक के अंदर एक हैं, ऐसा हम यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं कही गई है कि ये तीनों पर्सन एक ही हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल बाहर कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, शिक्षितों जो होते हैं वो शिक्षक भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, तो ये हमें शिक्षितों तो बाहर रखना होगा और वकील और शिक्षक को अंदर रखना होगा, लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह का कोई भी हमें यहाँ पे आकृति नहीं दे रखी है, तो हम ये मानेंगे कि जो शिक्षक हैं वो कुछ वकील भी हो सकते हैं, या वकील जो है वो शिक्षक भी हो सकते हैं, हो सकता है वो कहीं अपनी कोचिंग भी देते हों। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, इसलिए हम इन दोनों को मिला देंगे, तो ऑप्शन सी राइट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।